भारत बंद के आह्वान के चलते जोधपुर में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए। भीमसेना ने हाथों में झंडे लेकर जालोरी गेट से प्रदर्शन शुरू किया। इधर जालोरी गेट से पावता चौराहे तक भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न संगठनों के लोग जालोरी गेट पर आने लगे हैं। ये सभी यहां एकत्रित होकर करीब 1 बजे कलेक्टरेट परिसर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। डीसीपी ने बताया कि इन संगठनों से अपील की गई है कि वे शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपे और बाहर निकल जाएं। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में बंद शांतिपूर्ण रहा और कहीं से भी अप्रिय घटना की जानकारी दोपहर तक नहीं मिली। बंद समर्थकों की तरफ से एक विशाल रैली भी निकाली गई, जो कि बाद में कलेक्टरेट पहुंची, जहां विभिन्न बंद समर्थक संगठनों की तरफ से जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। बंद के समय शहर में पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्था रही। 800 पुलिस कर्मियों को बंद की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से बंद को देखते हुए मंगलवार को आदेश जारी कर सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर छुट्टी की रखने को कहा गया था। ज्यादातर विद्यालय बंद ही रहे। कहीं कहीं पर आदेशों की धज्जियां भी उल्टी देखी गई, जहां बच्चों को विद्यालयों में बुला दिया गया है, मगर बाद में उन्हें घर भी भेज दिया गया। भारत बंद के दौरान सोमेस गांव में बंद समर्थकों के द्वारा जहां एक पकोड़े बनाने वाले व्यक्ति पर गर्म तेल गिरा दिए जाने की घटना के बाद तनाव उत्पन्न हुआ, वहीं महिलाएं एवं पुरुषों ने इस घटना का विरोध करते हुए रास्ते जाम कर दिए। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा एवं स्थिति को संभाला है। पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी कार्यवाही। आईजी विकास कुमार के निर्देशन में की गई बड़ी कार्यवाही। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल शैताना राम को किया गिरफ्तार। कई राज्यों के चक्कर काटने के बाद चढ़ा पुलिस की हत्थे। स्पेशल टीम ने हैदराबाद तक किया पीछा। हैदराबाद के बाद गंगानगर पहुंचने पर स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 के इनामी शैताना राम को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। पूछताछ में पेपर लीक मामले के कई वांछित आरोपियों की हो सकती गिरफ्तारी। पेपर लीक मामले के पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मिलेगी कामयाबी। सर, इस तरह से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, 50,000 का इनामी जो है पुलिस का खास गिरफ्तार किया है। जैसा आप सबों को विदित है कि राजस्थान में कुछ समय से एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट करने, भविष्य अंधकारमय करने के लिए पेपर लीक के कई सारे प्रकरण हुए, जिसमें अनीति, अन्याय और अपराध के माध्यम से मेहनत का फल बैकडोर से पाने के कवायद करके एक पूरी पीढ़ी को का भविष्य अंधकारमय करने का प्रयास हुआ। इसके विरुद्ध राजस्थान पुलिस ने एकजुट होकर, कटिबद्ध होकर बहुत ही मजबूत कार्रवाई की और इस पूरे गैंग को, इस पूरे नेटवर्क का नेस्तनाबूद करने में सफलता पाई है। आज पेपर लीक कांड के, पेपर लीक मामले के एक बहुत बड़े किंगपिन षड्यंत्रकारी शैताना राम, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस मुख्यालय से घोषित था, उसको पकड़ने में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने सफलता हासिल की है। ये 5वीं गिरफ्तारी है पेपर लीक कांड में जो कि साइक्लोनर टीम ने करके दी है। पूर्व में भी पौरव कालेर, शमी बिश्नोई, ओम प्रकाश, सुनील इत्यादि को गिरफ्तार करके साइक्लोनर टीम ने दिया था और यह इस बात का परिचय। श्री जागृति संस्थान की ओर से नेहरू पार्क स्थित डॉन मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में अंदाज अपना अपना गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें 3 दर्जन से अधिक रचनाकारों और प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की और रचनाओं के माध्यम से देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री रामाश्रम सत्संग मथुरा के आचार्य व लेखक, चिंतक एवं समाज सेवी शिव प्रकाश अरोड़ा सहित संस्थान की संरक्षिका लीला कृपलानी, संस्थान के अध्यक्ष राजेश भेरवानी, सचिव हर्षद सिंह भाटी, वरिष्ठ कवि अशफाक अहमद फौजदार व श्याम गुप्ता शांत मंजासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित व विधिवत पूजा अर्चना कर तथा संस्थान के मीडिया मैनेजर व गायक पंकज जानगिल द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के संस्थापक दिलीप कुमार पुरोहित ने किया। इस दौरान वरिष्ठ कवि अशफाक अहमद फौजदार की पंक्तियां, मोम की गुड़िया ने सूरज से बगावत की, दुनिया वालों उसने भी क्या हिम्मत की, और युवा कवियत्री सुनीता शेखावत की पंक्तियां, कहां से आ गई मोमबत्तियां आवरों की निशानी, ने आयोजन स्थल साहित्य भवन का सन्नाटा तोड़ दिया और भवन में मौजूद हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया।
जोधपुर रेल मंडल के उपनगरीय रेलवे स्टेशन रायका बाग पैलेस जंक्शन के नाम में संशोधन की मंजूरी मिलने पर अब रायका समाज की तरफ से आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों व सहयोगियों के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। धन्यवाद सभा में समाज की संघर्ष समिति के लोगों ने रायका बाग पैलेस रेलवे स्टेशन के नाम में संशोधन को लेकर चलाए गए आंदोलन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाने वाले लोगों का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन समाज की एकता के कारण ही हो पाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले लंबे समय से रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधार करने की मांग को लेकर देवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। समाज के लोगों ने इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन आदि किया। हाल ही में पिछले दिनों रेल मंत्री की तरफ से स्टेशन के नाम में सुधार करने की घोषणा की गई, जिसके बाद समाज में खुशी की लहर है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।